हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक नए वीडियो में। ये है वीडियो इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच की ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन। साथ ही साथ गाइस कुछ बेस टीम्स। गाइस मैं पहले उतार रहा हूँ, जो लोग जुड़ रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। आज मेरी टीम के साथ ग्रैंड लीग तो मिस होगी ही होगी मिस ही होगी गाइस। आज बहुत डिफिकल्ट है, टीम बनाना बहुत मुश्किल है। प्लेयर्स का पता ही नहीं है कौन से तीन चार प्लेयर्स खेलेंगे। अभी तक कोई भी किसी ने भी कुछ नहीं बताया है गाइस। तो गाइस पिच कैसी है, सभी को पता है बैटिंग पिच है। स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, स्विंग बॉलर्स को हेल्प मिलेगी, बट बैटिंग फ्रेंडली पिच है। तो गाइस आज की प्रडिक्शन पूरी रिस्की है। प्रडिक्शन ऐसी है कि गाइस हार भी सकते हैं बहुत बुरी तरह, और अगर गलती से जीत गए तो जीतेंगे भी बुरी तरह। तो गाइस प्रेडिक्शन को ध्यान से सुने। हम जीतने हारने की गारंटी नहीं देते हैं, हम सिर्फ प्रेडिक्शन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आपको प्रेडिक्शन दें। बाकी जो हम टीम्स देते हैं उसमें थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाएं, थोड़ी सी टीम को चेंज करें। प्रेडिक्शन में जो बताया गया है, जो आपको भी पता है क्रिकेट के बारे में, उस नॉलेज को मिलाकर कुछ चेंजेस ज़रूर करें गाइस। तो बात करने से पहले टीम्स की गाइस, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो जो लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना और लाइक करना मत भूलना गाइस। गाइस एक और चीज़, अगले इंडिया के मैच में, अब से इंडिया के मैच में जो लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है गाइस, जो लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, बट उसके ऊपर एक और चीज़ है गाइस, आप लोग हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो जो लोग हमें सपोर्ट करेंगे यूट्यूब पे, उनके लिए गाइस खास एक पोस्ट डाली जाएगी जिसमें एक ग्रैंड लीग की टीम होगी, ओनली फॉर सपोर्टर। सपोर्टर बैच यूट्यूब का जिसके पास होगा उसे ही वो ग्रैंड लीग की टीम मिलेगी। 29 रुपीज़ का सपोर्टर बैच है, तो जो लोग वो लेंगे उनको ही वो टीम दिखाई देगी। ठीक है गाइस, तो चलते हैं गाइस टीम की तरफ और देखते हैं क्या होगा इस मैच में। तो गाइस मैच है इंग्लैंड श्रीलंका। पिच के बारे में आप सबको पता है, नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ। बैटिंग पिच, बैटिंग पैराडाइज, नाइटमेयर फॉर बॉलर्स, बट स्टिल डेथ ओवर्स में विकेटें जाती हैं, विकेटों का पतन होगा। सेकेंड इनिंग्स में स्विंग पे विकेटें मिलती हैं। स्पिनर्स आज काफी काम में आ सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी स्पिनर्स है गाइस आज की टीम में। क्वालिटी स्पिनर्स के सामने अच्छे अच्छे हिटर्स फंस सकते हैं। कैचेस अगर कोई टीम ड्रॉप नहीं करेगा वो मैच जीत जाएगा। और आज जो अच्छी बॉलिंग करेगा, बैटिंग तो सभी करेंगे बैटिंग पिच पे, बट जो अच्छी बॉलिंग करेगा वो ही टीम आज का मैच जीतेगी। तो गाइस चलते हैं सीधे टीम की तरफ। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हमारी बेस टीम। कल भी मैंने एक टीम दिखाई थी बेस टीम्स, आज मैं आपको दो बेस टीम्स दिखा देता हूँ। मोइन अली की जगह अगर डेविड विली खेला तो डेविड विली को पिक कर लेना, अभी के लिए मोइन विली है। कैप्टन जो रूट, वाइस कैप्टन डेविड मलान, सिर्फ मधुशंका। गाइस अगर इंग्लैंड पहले 4-5 ओवर्स में विकेट नहीं देगी तो आज इंग्लैंड बहुत रन मारेगी। मधुशंका का स्पेल खेलना है, बाकी लोगों को ये खेल पाएंगे। शिक्षाना थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट इंग्लैंड के पहले बहुत टेक्निकल बंदे हैं, जो रूट, डेविड मलान, इनको हिट करना भी आता है और सेफ खेलना भी आता है। बट बेयर स्टो एक ऐसा बंदा है जो कि हिट एंड मिस प्लेयर हो सकता है आज के मैच का, इसी वजह से मैंने इस टीम में बेयर स्टो को नहीं रखा है। ये है हमारी बेस टीम। अब बात करते हैं दूसरी टीम की गाइस। ये हमारी टीम एक और बेस टीम है, इसमें डेविड मलान नहीं है। दो बेस टीम बनाई है क्योंकि मुझे लग रहा है पावर प्ले में मधुशंका तंग करेगा। हो सकता है जो रूट, डेविड मलान बेयर स्टो की पेटी बन जाए। हो सकता है कि बेयर स्टो मधुशंका को बहुत पीटे कि वो बाद में बॉलिंग करने ना आए पावर प्ले में थोड़ी देर के लिए। तो गाइस दोनों पॉसिबिलिटी को लेते हुए मैंने टीम बनाई है, इसके अंदर बेयर स्टो भी है बट जो रूट सबसे बेस्ट प्लेयर लगता है मुझे, जो कि मधुशंका को स्विंग कंडीशंस को खेल पाएगा अगर बॉल स्विंग करती है। मधुशंका सेकंड इनिंग में बहुत डेंजरस होगा लाइट्स के अंडर। बॉल अगर जरा सी भी स्विंग हुई तो मधुशंका की पेस, साथ ही साथ उसकी लेंथ और लाइन गाइस इनक्रेडिबल। तो मधुशंका अभी तक विकेट लेस नहीं गया है।
अपने पूरे ओडीआई करियर में। तो गाइज इसको ध्यान में रखते हुए डेथ में भी विकेट लेगा, पावर प्ले में भी लेगा, उससे टीम में रखना काफी जरूरी है, काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आदिल रशीद आज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, मार्क वुड आदिल रशीद इन दोनों में से कोई एक ना आज 3 विकेट लेने वाला है, और टोटल गाइज मुझे लग रहा है ये 3-4 विकेट लेके जाएंगे। तो देख लो गाइज कौन लेगा, ये याद रखना कौन लेगा ये देखना पड़ेगा तुम्हें। ऊपर से गाइज आज बहुत सारे नए प्लेयर आएंगे, तो भैया टॉस के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा। मैच में आज लोग ज्यादा प्रिडिक्शन कर ही नहीं रहे क्योंकि प्लेयर्स का ही नहीं पता गाइज, ऐसे में कुछ भी प्रिडिक्ट करो और गलतियां ज्यादा होंगी गाइज। तो मैं पहली बता रहा हूँ बहुत रिस्की टीम्स होनी है आज। आप लोगों को जब टीम प्लेयर्स का ही एंड में बता लेगा तो आप टीम बना के करोगे क्या गाइज, बात यहां पे आती है, इसलिए टॉस का वेट करना काफी जरूरी है। अब चलते हैं गाइज ग्रैंड लीग टीम, ग्रैंड लीग टीम जो दिखाने से पहले गाइज सबसे पहले मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक कर लो, कमेंट करके बता दो कैसी लग रही है आपको वीडियो, और साथ ही साथ गाइज क्या आप तैयार हो ग्रैंड लीग टीम देखने के लिए, क्योंकि इसमें हारने के चांस और भी ज्यादा हैं। ग्रैंड लीग की टीम्स काफी टफ बनाता हूँ मैं, हारने के ज्यादा चांसेस होते हैं जीतने के कम, और वैसे भी मैं हार जीत के लिए नहीं बनाता, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कि ऐसी टीम्स के साथ कुछ हो सकता है। ठीक है गाइज तो ग्रैंड लीग की टीम चलते हैं, पहली सरप्राइज मत होना, ना जो रूट है ना बेयर्स टू है ना डेविड मिलाना है, बैटिंग पिच फिर भी क्यों, क्योंकि दी मधुशंका और मिथिक साना दोनों डेंजरस हैं स्टार्टिंग के लिए गाइज। एक चीज बताता हूँ गाइज, सभी लोग ना मधुशंका लेंगे, कोई भी रजिता नहीं लेगा, क्योंकि रजिता का परफॉर्मेंस अच्छी टीमों के खिलाफ कमजोर है, बट एक टीम दो टीम ऐसी बनाना जिसमें मधुशंका ना हो और रजिता हो, मैं कहता हूँ आज ट्राई करना, क्या पता आज मधुशंका पिट जाए और रजिता आज विकेट दे दे। तो एक दो टीमें ऐसी जरूर बनाना। ठीक है गाइज बेन स्टोक्स आज का ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, असलंका सेकेंड इनिंग्स में आज का ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, साथ ही साथ डी सिल्वा भी 91 की पारी खेल रखा है इंग्लैंड के खिलाफ, तो ट्राई जरूर करना गाइस, स्पिन बॉलिंग करेगा खिलाएंगे जरूर इसे। एंजिलो मैथ्यूज अगर टीम में खेलेगा तो एक दो टीम में जीएल की ट्राई कर लेना, टी निशंका आज खेल सकता है अच्छा, कुशल परेरा के हिट एंड मिस प्लेयर बेयरस्टो की तरह उसके चांस है चलने के, बट हम किसी और टीम में उसे ट्राई करेंगे, इस टीम में टी निशंका का कॉम्बिनेशन है। एटिंगसन कार से मैंने दोनों लिया है, इसमें मैंने वुड को ड्रॉप किया है गाइस, अगर ये दोनों खेले पावर प्ले डेथ में दोनों बॉलिंग करते देखेंगे गाइस। आज डेथ ओवर्स के बॉलर ज्यादा क्रिटिकल लग रहे हैं पावर प्ले से, पता नहीं क्यों, क्योंकि आज फर्स्ट इनिंग्स में अगर डेथ ओवर में विकेटें नहीं गिरी तो पावर प्ले ओवर में ही विकेटें गिरेंगी, बीच में तो कुछ नहीं मिलना। तो गाइस चीजों के लिए तैयार हो जाओ, आज कुछ डिफरेंट होना है। तो गाइस उसके बाद दिखाते हैं दूसरी जीएल की टीम, ये जीएल की टीम में कॉम्बिनेशन बहुत ही डिफरेंट है, इसमें ना जो रूट है ना ही बेयरस्टो है ना कुशल मेंडिस है ना निशंका है ना परेरा है, चाहे वो काफी रन मार सकते हैं गाइस फिर भी कुछ डिफरेंट टीम बनाई है। डेविड मलान कैप्टन है, बटलर वाइस कैप्टन है, और बॉलर 5 लिए हैं और एक ऑलराउंडर लिया है, साथ ही साथ समरा विक्रमा, जिस टीम में कुशाल मेंडिस होगा उस टीम में मैं समरा विक्रमा को ट्राई नहीं करूंगा, उल्टा दोनों को अलग अलग टीम्स पर ट्राई करूंगा। ठीक है गाइज ये है हमारी चौथी ग्रैंड लीग की टीम। अब गाइज एक दिखाते हैं पांचवी ग्रैंड लीग की टीम, ये बिल्कुल ही डिफरेंट है गाइज, इसके अंदर आपको ना समरा विक्रमा दिखेगा ना डेविड मलान दिखेगा ना बटलर दिखेगा गाइज और ना मधुशंका दिखेगा गाइज। मधुशंका को हमने ड्रॉप किया है, मुझे लगता है थिक्षाना लेके जाएगा विकेट मलान का, तो इसलिए बेयर स्टोक को रखा है, जो रूट बेन स्टोक्स डी सिल्वा डेविड विली करना रत्ने सरप्राइज है, अगर वो खेला तो एक मैच में मैंने ट्राई करना था, वो ये ग्रैंड लीग की टीम है। निशंका ओपनर और साथ ही साथ आदिल रशीद मार्कवुड और थिक्षाना, वाइस कैप्टन मैंने मार्कवुड को बनाया क्योंकि मार्कवुड के पास बहुत पेस है और इस पिच पे जो बंदा बाउंसर का उपयोग करेगा उसको विकेट मिलने के बहुत ज्यादा चांस है, मैं पहली बता रहा हूं सरप्राइज करो बंदों को बाउंसर के साथ इस पिच पे और विकेट लो। बेयरस्टो एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेल सकता है अगर मधुशंका से आउट नहीं हुआ, छोटा ग्राउंड भैया पता भी नहीं चलेगा अगर इसने 50-60 रन मार दिए 30 बॉलों पे, अगर मधुशंका का स्पेल निकाल गया बेयरस्टो बहुत तोड़ेगा, बहुत तोड़ेगा।
उसके बाद बात करते हैं अपनी अगली टीम की, जो कि है ये है हमारी छठी टीम। इसमें जो रूट कैप्टन है आदिल राशिद वाइस कैप्टन है। आप कुछ नाम ना रेगुलरली देखोगे, मैंने कुछ प्लेयर्स को फिक्स कर रखा है और उनके साथ बाकी प्लेयर्स को रोटेट कर रखा है गाइस। टीम में आप ध्यान से देखो, कुछ प्लेयर्स आपको कॉमन नाम ही दिखने हैं। तो गाइस आप लोगों को एक एडवाइस है, जो लोग ग्रैंड लीग की टीम बनाते हैं गाइस, अगर आप 8 प्लेयर्स फिक्स बनाए और 3 प्लेयर को रोटेट करें, गाइस मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक काफी काम आती है। 8 प्लेयर्स फिक्स, बट वो कौन से 8 प्लेयर फिक्स हैं ये आप लोगों को प्रिडिक्शन देखकर थोड़ा मैच एनालिसिस करके डिसाइड करना होता है। 8 प्लेयर फिक्स और 3 प्लेयर को रोटेट करो, एक प्लेयर ये कोई और प्लेयर, फिर एक कोई और प्लेयर। कैप्टन वाइस कैप्टन गाइस आपको दो तीन तो अलग से डिफरेंट चॉइसेस रखनी पड़ेंगी। आज के कैप्टन चॉइसेस में जो रूट बहुत आगे चल रहे हैं, आदिल राशिद एक सरप्राइज कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, बेन स्टोक्स एक सरप्राइज कैप्टन है। तो गाइस ऐसा कुछ चेंज आपको अपनी टीमों में करना पड़ता है, खासकर ऐसे अनप्रिडिक्टेबल मैचों में। आज का मैच बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, क्यों है? अगर हमें टीम का लाइनअप पता होता, साथ ही साथ हमें इंग्लैंड की फॉर्म का पता होता ना, इंग्लैंड की फॉर्म बिल्कुल डामाडोल है गाइस। जो टीम बेस्ट टीम थी वो इतना घटिया खेल रही है कि उनके प्लेयर्स को लेने से पहले सोचना पड़ रहा। नहीं तो पहले अब डेविड मिलान सीधा पिक करो, अरे जो जोरी बेस्ट हो सीधा पिक करो, बट यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स में विकटे गिर रही हैं, मतलब कि फर्स्ट पावर प्ले में विकटे दे रही है इंग्लैंड, तो इसी वजह से टीम को लेना थोड़ा टफ हो गया गाइस। उसके बाद गाइस बात करते हैं सातवीं टीम की, सातवीं जीएल। तो गाइस इस टीम में बेन स्टोक्स मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन मेरा आदिल रशीद है, और इस टीम में गाइस बेयरस्टो नहीं है, इसमें जो रूट और मलान की जोड़ी है, ना कि बटलर है इसमें। डेविड विली हमारे ऑलराउंडर हैं, डी सिल्वा। डेविड विली भैया ऑलराउंडर में चॉइसेस ही नहीं है, पता नहीं ना प्लेयर्स कौन से हैं, बट डेविड विली मुझे लगता है सेकेंड इनिंग्स में अगर बॉलिंग करेंगे तो वो विकेट लेंगे, और वो बैटिंग से भी कुछ कर सकते हैं, इसी वजह से डेविड विली ट्राई किया। कुशाल मेंडिस के चलने के चांस थोड़े कम हैं आज, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज है टीम में, कुछ टीमों में है कुछ टीमों में नहीं है। अगर चले तो वन साइडेड हरा देंगे गाइस, ये भी बात है, अगर चले अपनी टीम में नहीं है तो बाजा गोल, इसलिए कुछ टीमों में ट्राई करना जरूरी है। आदिल रशीद पे यार मैं बहुत भरोसा कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ वो मेरा भरोसा नहीं तोड़े। काफी टीमों में आदिल रशीद होंगे, मार्क वुड होंगे, एटिक्सन को आप ट्राई कर सकते हैं गाइस। अगर आप मार्क वुड को नहीं लेना चाहते, आपको लगता है मार्क वुड की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तो एटिंगसन को ट्राई कर सकते हैं, मगर मार्क वुड बैटिंग भी करते हैं गाइस। पिछले मैच में 16 बॉल पे 42 रन, नो डाउट फन हो रहा था, बट भैया वो 16 बॉल पे 42 रन की वजह से वो ड्रीम टीम में आ गया बंदा, तो देख लो गाइस क्या करते हैं, देख कर चलो। तो गाइस ये है हमारी लास्ट टीम जीएल की। इस टीम में गाइस बैट्समैन भर भर के हैं, कूट कूट के बैट्समैन है। इसके अंदर मधुशंका नहीं है, इसके अंदर आपको बॉलर श्रीलंका के कम देखेंगे, ये इंग्लैंड के फेवर में टीम है, ज्यादातर इंग्लैंड के ही बंदे हैं इसके अंदर। ये टीम काफी रिस्की है गाइस, सभी टीमों की तरह। टेक इट ऑन योर रिस्क, रिस्क पूरा है, बट फिर भी हमने टीम आपको दे दी है। तो गाइस जो जो प्यारे लोग जुड़ रहे हैं, सबसे पहले जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक करना मत भूलना। आज के डिफरेंशियल प्लेयर्स कौन हो सकते हैं? आदिल रशीद, बेन स्टोक्स, श्रीलंका की तरफ से समरा विक्रमा, जो कि कोई लेगा नहीं, बट वो बैटिंग में स्टेबिलिटी, 50 फर्स्ट इनिंग्स में समरा विक्रमा या फिर डी डी सिल्वा, इन दोनों में से कोई एक अच्छी इनिंग्स खेलने वाला है, ठीक है गाइस। बॉलिंग में रजिता, जिसकी पिक पिक ही नहीं है क्योंकि वो विकेट ना ले, क्या पता पावर प्ले में ना ले तो डेथ ओवर में एक दो विकेट ले ले, तो रजिता एक सरप्राइज कर सकता है गाइस। के परेरा, ध्यान नहीं है लोगों का, या वो मान के चल रहे हैं कि वो नहीं चलेगा, बट लेफ्टी है, कर सकता है कुछ धमाका। राइटी बैट्समैन इंग्लैंड के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जाके से बात कर लो क्लासन की, मार्करम की। तो गाइज एक राइटी बैट्समैन कुशाल मेंडिस आज मैच चेंज कर सकता है। पी निशंका भी एक अच्छी पारी खेलकर जा सकता है गाइज। मैच काफी कुछ डिपेंड करना है टॉस पर, जो टीम टॉस जीतेगी मुझे लगता है आज कुछ उल्टा होगा। यूजली इस ग्राउंड पे लोग चेस करते हैं, बट पता नहीं मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है, दोनों टीम बहुत प्रेशर में है, दोनों टीम पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है पहले बैटिंग करके
एक स्कोर खड़ा करना चाहिए। नो डाउट पिच कहेगी कि ड्यू आएगी, ये आएगा, बट यार इतने प्रेशर में इंग्लैंड तो मैच जीत ही नहीं पा रही है सेकेंड इनिंग्स में। फर्स्ट इनिंग्स में बेटर चांस है, बॉलिंग खराब है, बैटिंग भी खराब हो गई है अब तो। फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करो, स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगाओ और मैच जीतने की कोशिश करो। तो गाइज सारी टीम्स मैंने आपको दिखा दी है, सारी जीएल की टीम दिखा दी है। आज बहुत रिस्की है, अगर आप खेलना चाहते हो तो खेलो, नहीं खेलना चाहते तो मत खेलो इन टीम्स के साथ। विनिंग की गारंटी हमारी नहीं है, लूजिंग की गारंटी नहीं है। हो सके तो गाइज लाइक कर देना, कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी, और अगले इंडिया मैच में सिर्फ और सिर्फ जिनके पास सपोर्टर बैज, यूट्यूब का सपोर्टर बैज अगर आप ये लेते हो, तभी आपको एक जीएल टीम एक्स्ट्रा मिलेगी, जो कि मैं वीडियो की तरह नहीं, एक पोस्ट की तरह डालूंगा, जो कि सिर्फ दिखेगी उन्हीं को जिनके पास होगा सपोर्टर बैज। 29 रुपीज में मिलता है सपोर्टर बैज यूट्यूब पर। तो थैंक्स अलॉट गाइज ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, और देखते हैं क्या होता है मैच में।